के अटैक से पहले भी इसी तरीके के थ्रेट्स आए, उसके बाद अटैक हुआ, अभी इलेक्शन कैंपेन आप कर रहे हैं, यूपी बिहार जा रहे हैं, तो इसको लेकर नहीं, अब ये देखिए, अब ये एक एटमॉस्फेयर बन चुका है देश में, और उसी एटमॉस्फेयर की वजह से इन लोगों को हिम्मतें बढ़ रही हैं इस तरह की बकवास करने के लिए। मैं सच कह रहा था ना, मैं वही तो बता रहा था, मैं पार्लियामेंट के जब बिल को फाड़ा मैं उस बिल को, और उस वक्त से मैं ही कह रहा हूं कि CAA को NPR एनआरसी जोड़ के देखना चाहिए, वो सच साबित हुई। अटैक से पहले भी इसी तरीके के थ्रेट्स आए, उसके बाद अटैक हुआ, अभी इलेक्शन कैंपेन आप कर रहे हैं, यूपी बिहार जा रहे हैं, तो कोई इसको लेकर नहीं, अब ये देखिए, अब ये एक एटमॉस्फेयर बन चुका है देश में, और उसी एटमॉस्फेयर की वजह से इन लोगों को हिम्मतें बढ़ रही हैं इस तरह की बकवास करने के लिए। मगर अब ये इसको आप कोई बच नहीं सकता आज इस देश में, और ठीक है, जब तक अल्लाह सुबहाना ताला जिंदगी लिखा हम जियेंगे, आप भी जियेंगे, कोई यहां पर जिंदा रहने के लिए नहीं आया, सबको जाने का है। मगर ये लोग जो ओपनली जो इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, हम तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन से उम्मीद करते कि उसका आपका एटीएम कार्ड या मस्जिद में मौजूद है, आके ले लीजिए, इसका मॉनिटर करें और देखें। किसी टॉप प्रायोरिटी बोल रहे सर राजनाथ सिंह, अगर वापस से सरकार में आते हैं तो सीसी टॉप प्रायोरिटी होगा, सीए एनआरसी भी टॉप प्रायोरिटी होगा, सीआरडी की बुक्स में बाबरी तो CAA क्या बोले वो एनआरसी एनआरसी टॉप प्रायोरिटी होगा। मैं सच कह रहा था ना, मैं वही तो बता रहा था, मैं पार्लियामेंट के जब बिल को फाड़ा मैं उस बिल को, और उस वक्त से मैं ही कह रहा हूं कि CAA को NPR एनआरसी जोड़ के देखना चाहिए, वो सच साबित हुई। झूठ बोलते रहे प्राइम मिनिस्टर हमेशा, आज राजनाथ सिंह फिर से सच बोल दिए, अमित शाह सच बोले थे लोकसभा में, आज फिर राजनाथ सिंह बोल दिए, उनके वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं। तो CAA NPR एनआरसी का मतलब यह है कि भारत में ही गरीबों को, दलितों को, और खासतौर से अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को स्टेटलेस बनाना, ये इनका मकसद है। मैं तो शुरू से वही बोल रहा था, CAA कहलाने का मकसद NPR एनआरसी है, वो बात प्रूव हो गई। और हम हैदराबाद के इस पार्लियामेंट इलेक्शन में, तेलंगाना में जनता जो है इनके इस नापाक अजायम के खिलाफ वोट देकर आएगी। उनके अटैक से पहले भी इसी तरीके के थ्रेट्स आए, उसके बाद अटैक हुआ, अभी इलेक्शन कैंपेन आप कर रहे हैं, यूपी बिहार जा रहे हैं, तो कोई इसको लेकर नहीं, अब ये देखिए, अब ये एक एटमॉस्फेयर बन चुका है देश में, और उसी एटमॉस्फेयर की वजह से इन लोगों को हिम्मतें बढ़ रही हैं इस तरह की बकवास करने के लिए। मैं सच कह रहा था ना, मैं वही तो बता रहा था, मैं पार्लियामेंट के जब बिल को फाड़ा मैं उस बिल को, और उस वक्त से मैं ही कह रहा हूं कि CAA को NPR एनआरसी जोड़ के देखना चाहिए।